मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें बेड से उठते समय क्या करना चाहिए जिससे कि पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाए। पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड का सिस्टम है, पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है, पूरी कायनात है, वो आपके अनुसार काम करे, आपका जीवन उसके अनुसार काम करे कि आपके साथ हमेशा पॉजिटिव हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से मंत्र का आप उच्चारण करें और मंत्र का उच्चारण ना भी करें फिर भी आपको क्या करना चाहिए कि आपका दिन अच्छा जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए, जिससे कि आपको पूजा पाठ से संबंधित और भी अपने जीवन के गूढ़ रहस्य से संबंधित अच्छी अच्छी वीडियो की जानकारी मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा एक योगासन प्राणायाम वगैरह के लिए और योग मार्ग के लिए एक जो हमने दूसरा चैनल बनाया है अंधकार से प्रकाश की ओर, उस चैनल को भी आप जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। आपको उसमें अपने स्वास्थ्य के लिए अपने पूरे जीवन के गूढ़ रहस्य की जानकारी मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने गुरुदेव की चरण वंदना करेंगे और परमात्मा जी को नमस्कार करेंगे और सभी देव शक्तियों को नमस्कार करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम रात में सोते हैं तो सोने के बाद जब हम उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए। पहले नंबर का काम, पहला काम कौन सा है, आपको अपना स्वर चेक करना चाहिए। स्वर कौन सा, राइट हैंड वाला या लेफ्ट हैंड वाला। स्वर के लिए हमने वीडियो बनाई है, तीन स्वर होते हैं, सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला। राइट हैंड साइड वाला हमारा पिंगला होता है, लेफ्ट वाला ईड़ा होता है और जो बीच का होता है वो सीधा जो है परमात्मा जी को इंडिकेट करता है, सीधा कनेक्ट करता है। उसको आपको चेक करना है सबसे पहले। पहला काम आपका यही है कि आप उठेंगे तो आपको नाक से अपना स्वर चेक करना है। अगर स्वर पिंगला चल रहा है और ईड़ा चल रहा है, उसके अनुसार आपको आगे की चीजें करनी है। पहला काम आपका हो गया स्वर चेक करना। अब दूसरा काम, आंखें खोलें आप तो आंखें खोलने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना है। हाथों को देख के तीन बार हाथों को देख के और इस तरीके से अपने माथे से लगा के और अपने शरीर पर करना है तीन बार हाथों को देख के। ठीक है, तीन बार कर लिया। अब अगर तीन बार में आप मंत्र का जाप कर लें, एक छोटा सा मंत्र है उस मंत्र का जाप कर लेंगे तो आपके लिए और ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। मंत्र का जाप नहीं भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना तो कर लीजिए। मैं आपकी सहूलियत के लिए मंत्र बता देता हूँ, आपकी इच्छा है तो आप करें, कर लेंगे तो पॉजिटिव है। मंत्र है हमारा, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रवाते कर दर्शनम। ठीक है, इस मंत्र का आप तीन बार जब हाथ देखें तो हाथ देखने के साथ साथ मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, जाप कर लीजिए और इस प्रकार से अपना हाथ चेहरे से ऊपर से उठाते हुए फिराते हुए पूरे शरीर पर कर लीजिए। दूसरा काम हो गया, पहला कौन सा, स्वर चेक करना है, दूसरा काम हाथों को चेक करना है। अब हमारा तीसरा काम आता है, अब हमको बेड से जब नीचे उतरना है तो बेड से जब आप बिस्तर से नीचे उतरे तो आपने जब चेक किया था कि आपका कौन सा स्वर चल रहा था, ईड़ा चल रहा था या पिंगला चल रहा था, उसके अनुसार आपको पहले धरती माँ के तीन बार पैर छूने हैं। धरती माँ के तीन बार आपको नमस्कार करना है। नमस्कार करते करते अगर आप धरती माँ को नमस्कार करने का मंत्र कर लेते हैं तो आपके लिए और ज्यादा पॉजिटिव है। मंत्र में आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, आपकी इच्छा है करना चाहे या न करना चाहे, केवल धरती माँ को तीन बार नमस्कार करके भी आप अपना काम कर सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। मंत्र है आपका,
समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। इस मंत्र का आप 3 बार धरती माँ का आशीर्वाद लेके 3 बार आशीर्वाद लेने के साथ साथ इसका पाठ कर लीजिए, आपके लिए और ज्यादा पॉजिटिव रहेगी, धरती माँ का आपके ऊपर आशीर्वाद और ज्यादा मिलेगा। मंत्र करना आपकी इच्छा है, हमारी तरफ से कुछ भी कंपलसरी नहीं। अब देखिए, जब आप धरती माँ के आशीर्वाद लेके जब अपना पैर रखेंगे तो जो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया स्वर चेक करना है, तो कौन सा काम है? अगर आपका पिंगला स्वर चल रहा है, सीधा स्वर, दाया स्वर चल रहा है, तो आपको अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाना है। तो आप या तो 1 बार जमीन पर रखें, या 3 बार रखें, या 5 बार रखें, इस प्रकार से आप रखें। और आगे का कोई भी काम करें तो फिर दाहिना पैर आगे बढ़ा के करें, ठीक है। अगर आपका बायां स्वर चल रहा है, ईड़ा स्वर चल रहा है, तो आपको ईड़ा स्वर के साथ में क्या करना है, लेफ्ट पैर, बायां पैर आपको आगे बढ़ाना है। बायां पैर पहले आपको जमीन पर रखना है, और बायां पैर रखने पर पैर को 2 बार या 4 बार या 6 बार इस प्रकार से जमीन पर रखना है। समझ में आ गई मेरी बात? बायां पैर आगे बढ़ाना है, 2 बार रखना है, पहली बार, फिर दूसरी बार, या फिर 4 बार रख लीजिए, भूल जाए तो, जैसे मान लीजिए आपने 2 की जगह 3 बार काउंट कर लिया तो 1 बार और कर लीजिए, मतलब सम होना चाहिए आपका। और अगर दायां स्वर चल रहा है तो आपको 1 बार 3 बार या 5 बार पिंगला स्वर के अनुसार। अब ऐसा क्यों किया जाता है ये भी हम आपको बताते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मनुष्य का जो पूरा का पूरा संरचना है और जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड की संरचना है वो बिल्कुल सेम है। जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र, सूर्य और पृथ्वी और 5 तत्व हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी सब कुछ है। प्राण वायु जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में है उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी है। तो अगर हम उस ब्रह्मांड के अनुसार अपने आप को चलाएंगे तो ब्रह्मांड की जो पूरी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपका सपोर्ट करेगी। आप ऐसे करके मान लीजिए कि अगर आप किसी को जानते हैं तो वो आपको हमेशा मदद करेगा, और आप किसी को नहीं जानते तो वो आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगा या फिर वो आपको खटकेगा, उसको लगेगा कि आप जो है कौन आ गए हैं। तो उस प्रकार से अगर आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में अपने आप को लेके चलेंगे तो आपको ब्रह्मांड की एनर्जी पूरी सपोर्ट करेगी। और अगर विपरीत चलोगे, एक सिंपल कंसेप्ट है, दो तरीके की एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, शिव और शक्ति, ये चीज आप समझ लीजिए, शिव पॉजिटिव है और शक्ति नेगेटिव है। तो आप किसी भी प्रकार से अपने आप को समझ लीजिए, ये मैं आपको एकदम गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। अगर आपको अपना पूरा दिन सही से गुजारना है तो हम लोग अज्ञानता में इन चीजों का प्रयोग नहीं करते। इन चीजों का प्रयोग करने से मानव अपने आप को बहुत सारी चीजों से बचा सकता है। आकस्मिक एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो दुर्घटना हो जाती है, और कोई भी कुछ भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, वो सब इन्हीं के आधार से होता है। अगर हम अपने आप को घर से निकलते ही पॉजिटिव चीजों के साथ में लेके चलेंगे तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। बाहर पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, आप नेगेटिव एनर्जी के साथ में चल रहे हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आपकी एनर्जी बाहर की एनर्जी के साथ मैच कर जाती है तो आपके लिए पूरा सपोर्ट है, हर प्रकार से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपकी तरक्की होगी। इसी के साथ इस वीडियो में
बस इतना ही हम आपसे उम्मीद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत खर्च होती है, इसलिए वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हो गुरुदेव, जय हो परमात्मा जी की और जय हो सभी देव शक्तियों की। जय हो।